आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदू संसदन एक्ट के बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस पार्ट है, कुछ वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं जो इसमें आगे यूज होते हैं, उनके बारे में पहले बात करेंगे। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, ये खास तौर से जो प्रॉपर्टी है उसके डिवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा। और ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक यूनिफॉर्म सिस्टम को बताता है कि हिंदू मेल और हिंदू फीमेल डाइंग इंटरेस्टेड, यानी अगर वे बिना किसी विल के, बिना किसी ऐसे कोई प्रोविजंस किए हुए प्रॉपर्टी का डेथ हो जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इस एक्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं एग्नेयर्स। एग्नेयर्स कौन है? एग्नेयर्स का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से मेल के थ्रू जुड़ता है, जैसे फादर सन इस तरह से जब जुड़ता है तो उसको एग्नेयर्स कहते हैं। फीमेल के थ्रू जुड़ता है उसको हम कोग्नेट्स कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप इसमें आते हो, बल्कि एडॉप्शन के भी सारे रिलेशनशिप इसमें आते हैं। थर्ड आता है हेयर। हेयर कौन है? सेक्शन 3 में डिटेल्स में बताए गए हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे। एंड फोर्थ है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब है प्लस टेस्टेट, यानी कोई टेस्टामेंट्री प्रोविजन ना किया हो, अर्थात कोई विल या इसी तरह कोई प्रोविजंस या गिफ्ट वगैरह ना किया हो प्रॉपर्टी का, तो उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं। आगे चलते हैं कि ये सेक्शन जो 5 है किन प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता। ये दरअसल उन प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होता जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न्ड है या स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न्ड होती हैं, और ख़ास तौर से जो कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है उसको भी ये गवर्न नहीं करता। सेक्शन 6 से कोपासनरी प्रॉपर्टी के संबंध में बात कहता है, और ख़ास तौर से वो फीमेल की प्रॉपर्टी के बारे में बात कहता है कि फीमेल जो है कोपासनर्स होगी। 2005 में अमेंडमेंट किया गया है और फीमेल को सन के बराबर के सारे अधिकार दिए गए हैं, अर्थात जिस तरह से सन को बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट है, इसी तरह से बाय बर्थ डॉटर को भी प्रॉपर्टी में राइट होते हैं, क्योंकि वो कोपार्टनर बन जाती है दूसरे जॉइंट फैमिली के लोगों के साथ में। अब आगे बात करते हैं कि जनरल प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 8 जो है जनरल प्रोविजंस बताता है जो मेल के संबंध में है। सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11 एंड 13। अब हम बात करते हैं कि मेल की जो प्रॉपर्टी है किस तरह से डिवाइड होगी, या कुछ जनरल रूल्स दिए हुए हैं सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 13 तक, और फीमेल की प्रॉपर्टी के संबंध में प्रोविजंस दिए हुए हैं 14, 15 एंड 16। तो पहले चलिए मेल के संबंध में बात करते हैं। सेक्शन 8 कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी मेल की होगी तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस आधार पर प्रॉपर्टी डिवोल होगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज करिए कि एक फादर अपनी प्रॉपर्टी का कोई सेटलमेंट करता है अपनी वाइफ के उसमें फेवर में, और उसकी डेथ के बाद में डॉटर के लिए, लेकिन डॉटर जो है इस एक्ट के कॉमेंसमेंट के बाद में डेथ हो जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवोल होगी, ऐसे किस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सेक्शन 8 के अनुसार होगा। अब सेक्शन 8 में आगे बढ़ने से पहले हम हेयर जान लेते हैं कि क्लास 1 हेयर्स कौन कौन है। एक शेड्यूल दी हुई है, क्लास 1 हेयर में आते हैं सन, डॉटर, वीडो, मदर, सन्स ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन, ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन। ये जो बताए हैं ना,
ये जो प्रीडिसीजन का मतलब है कि पहले से डेथ हो चुकी है, इसी तरह से डॉटर ऑफ योर प्रीडिसीजन ऑफ योर प्रीडिसीजन, यानी पहले से ही बेटा है उसका बेटा है, उनकी डेथ हो चुकी है उसकी बेटी, तो इस तरह से लिस्ट दी हुई है। ये क्लास वन ईयर एक साथ सब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी सब में एक साथ डिवाइड होगी। सपोज करिए एक्स नाम का एक व्यक्ति है और उसके पीछे जब वो मरता है तो एक बेटा है, बेटी है, उसकी मदर है, पत्नी है, तो सबको प्रॉपर्टी बराबर हिस्सों में बटेगी, यानी चार भागों में बढ़ जाएगी। अगर दो बेटे हैं और एक बेटी है और उनकी उसकी पत्नी है और माता है, तो प्रॉपर्टी इस तरह से पांच भागों में बढ़ जाएगी। और आगे ये भी रूल दिया गया है कि अगर वीडो एक से अधिक है तो उन सब वीडो का एक शेयर होगा, अर्थात बाकी जो शेयर होल्डर्स है उनमें जो सिंगल सिंगल है जो ईच प्रत्येक को दिया जाता है, इस तरह सारी वीडो मिलकर के एक शेयर प्राप्त करेंगी। आप ये कह सकते हैं कि वीडो एक से ज़्यादा हो नहीं सकती, वीडो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ है, उससे पहले कई शादियाँ हो सकती थी। तो ये जो क्लास वन हेयर के जितने भी लोग हैं, ये जो भी जिंदा होंगे उस समय जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इन सबको एक साथ प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि क्लास सेकंड हेयर कौन कौन है। इसमें जैसे फादर फर्स्ट हेयर आता है, एक एंट्री है, ये एंट्रीज दी हुई है, 9 एंट्रीज है। इस 9 एंट्रीज में एक एक एंट्रीज का बताया गया है, जैसे फर्स्ट एंट्री में सिर्फ फादर हैं, सेकंड एंट्री में चार आते हैं जिसमें सन्स डॉटर सन्स हैं, सन्स डॉटर डॉटर और ब्रदर एंड सिस्टर, ये इस तरह से थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ। ये एक एंट्री दूसरे एंट्री को एक्सक्लूड करती है, अर्थात अगर क्लास सेकंड ईयर में फादर जिंदा है तो सेकंड एंट्री में किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है। अगर क्लास सेकंड की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, फादर नहीं है, क्लास वन ईयर भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये चार इसके जो लेने वाले हैं सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी बंटने वाली है। इसी तरह से क्लास जो एंट्री थ्री है उसमें भी इन चारों में प्रॉपर्टी बटेगी, अर्थात एक एंट्री में जितने भी लोग हैं जिसमें इसमें बताए गए हैं सबको एक साथ प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आगे बात करते हैं कि अगर क्लास सेकंड ईयर के भी कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स में, यानी मेल साइड से जो लोग हैं। और फोर्थ कैटेगरी है जो क्लास है वो है कोग्नेट्स में, एग्नेट्स में कोई नहीं है तो कोग्नेट्स में प्रॉपर्टी जाएगी। तो इस तरह से ये चार कैटेगरी इसमें बताई गई है और इसके आधार पर प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है। अर्थात इसको हम समाप्त कर सकते हैं ऐसे कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लास वन ईयर को जाएगी, क्लास वन ईयर में कोई नहीं है तो क्लास सेकंड में जाएगी, क्लास सेकंड में भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स में जाएगी, और इसमें भी कोई नहीं है तो क्लास फोर्थ में जाएगी। तो ये एक जनरल प्रोविजंस बताया गया है प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशंस के संबंध में। अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 भी इसी तरह के प्रोविजंस बताता है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि वीडो अगर है और वीडो में कई वीडो हैं तो उनको सबको एक साथ मिलेगा, इसके साथ उनके जो बच्चे हैं जो भी सर्वाइविंग हैं उनको सबको एक एक शेयर मिलेगा, और जो उनकी ब्रांचेज है उसमें उनको जो भी सर्वाइविंग है उनके ब्रांच के अनुसार सबको एक एक शेयर मिलेगा। तो ये सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 में एक ये
और रूल फोर्थ बताया गया है कि अगर प्री डिसीज्ड सन्स डॉटर्स और उनकी कोई वीडो है तो वीडोज को क्या मिलेगा। वीडो को भी जैसे रूल फर्स्ट था इसमें कि उसके अनुसार अगर वीडो एक से अधिक है तो उन सबको एक पार्टी मिलेगा। तो ये रूल फोर कहता है इस संबंध में। और बाकी ये कहता है कि जो भी सर्वाइविंग होगी उनकी जो भी स्ट्रिप्स होगी उसके अनुसार उनको प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है। तो सेक्शन 10 कंप्लीट होता है हमारा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 भी इस संबंध में बात कहता है कि एग्नेट्स और कोग्नेट्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेक्शन 13 ये प्रेफरेंसेस बताता है कि फर्स्ट एग्नेट्स को मिलेंगे, सेकंड कोग्नेट्स को मिलेंगे। तो जैसा हमने पहले भी संबंध में बात की थी, तो ये था सक्सेशन रिलेटेड टू मेल। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी फीमेल की है तो उनका सक्सेशन कैसे होगा। तो सेक्शन 14 जो है ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो फीमेल को मिली है वो किसी भी तरह से उसको मिली हो, प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है, चाहे गिफ्ट से मिली हो या उसकी सेल्फ एक्वायर्ड हो या उसने अर्न की हो, वो सारी प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्यूट ओनर होगी, यानी फुल ओनर होगी। लेकिन पहले फुल ओनर नहीं होती थी फीमेल, अब वो फुल ओनर होगी और वो जिस तरह से प्रॉपर्टी चाहती है उस तरह से डिवोल कर सकती है। लेकिन अगर वो भी प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन नहीं करती, कोई गिफ्ट नहीं करती, कोई विल नहीं करती, तो उसके जो रूल्स बताए गए हैं उनका हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे वो रूल्स आगे फॉलो होंगे। सेक्शन 15 बताता है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जाएगी उसकी, वो जाएगी उसके बेटे में, बेटी में, और अगर इनके भी पहले से कोई बेटा बेटी की डेथ हुई है तो उनको जाएगी, इसके साथ उनके हस्बैंड को साथ मिलेगी। अर्थात इन सबको एक फर्स्ट एंट्री है, इन सबको एक साथ मिलेगी। सेकंड, इसमें अगर कोई नहीं है तो जो हस्बैंड के हेयर्स है उनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और इसमें नहीं है तो फिर जो मदर और फादर हैं उनको प्रॉपर्टी जाएगी, और थर्ड में भी कोई नहीं है तो फादर्स के हेयर है उनको प्रॉपर्टी जाएगी, और फिफ्थ में अगर फादर के हेयर नहीं है तो मदर के हेयर्स को प्रॉपर्टी जाएगी। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी फादर की साइड से आई है तो प्रॉपर्टी फादर की साइड से प्रॉपर्टी आने के कारण अगर फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है तो वो प्रॉपर्टी फादर की साइड में ही जाएगी। इसी तरह से अगर प्रॉपर्टी आई है हस्बैंड से या फादर इन लॉ से तो प्रॉपर्टी फिर हस्बैंड और फादर इन लॉ की तरफ से ही वो ही जाएगी, उनके हेयर्स को जाएगी। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 जैसे हमने पहले बताया है कि जो एक कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो प्रीफर्ड होगी सेकंड कैटेगरी से, सेकंड कैटेगरी एंट्री प्रीफर्ड होगी थर्ड से। तो इस तरह से ये सेक्शन 16 कहता है, और इसमें कोई विशेष ऐसा कोई रूल नहीं है जो समझ में ना आता हो। तो ये हमने बात की है कि फीमेल की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से उसको जाने वाली है, और मेल और फीमेल के संबंध में जो काफ़ी डिस्कस किया है हमने कि उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से उनके हेयर्स पे जाएगी, वो टफ नहीं है, रूल है, रूल बताए गए हैं किस तरह से जाती है। अब हम कुछ जनरल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि वे जनरल प्रोविजंस क्या है। जनरल प्रोविजंस ये है कि फुल ब्लड हाफ ब्लड, हमेशा फुल ब्लड हाफ ब्लड से प्रेफर्ड होगा, ये हमारा जो है ना सेक्शन 18 कहता है। इसी तरह सेक्शन 19 भी कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको दो तरीके होते हैं, एक पर कैपिटा बोलते हैं, एक को पर स्ट्रिप्स बोलते हैं। पर कैपिटा सपोज करिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है
और उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी आती है एक्स की, और उसके एक दो बेटे हैं और एक बेटी है एक्स वाई जेड। तो जो उनकी प्रॉपर्टी जो तीनों में बटेगी ना, वो पर कैपिटा बनेगी। और सपोज करिए कि जो फादर है वो उसके दो बेटे हैं, तो जो दो बेटे हैं दो बेटों में प्रॉपर्टी बचेगी उनकी पर स्ट्रिप के आधार पे। यानी अभी तो पर कैपिटा होगी लेकिन बाद में पर स्ट्रिप, यानी उनके जो नीचे प्रॉपर्टी जाएगी वो उनके पर कैपिटा के हिसाब से जाएगी जो भी सर्वाइविंग्स होंगे। तो इस संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 21 भी कुछ इस तरह के प्रोविजंस की बात कहता है कि अगर जब ये अनसर्टेन हो कि किसकी डेथ पहले हुई है, तो हम ये मानेंगे कि जो उम्र में कम है उसकी डेथ बाद में हुई है और जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी डेथ पहले हुई है। तो इस संबंध में ये कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 24 क्या कहता है। 24 ये कहता है, जो वीडोज की हमने बात की है कि वीडोज को उनका शेयर दिया जाएगा, तो वीडोज को जो शेयर दिया जाएगा वो तब तक ही दिया जाएगा अगर वो रीमैरिज नहीं करती है। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो उनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके ऊपर बात करती है। सेक्शन 25 कहते हैं कि कौन आदमी को डिसक्वालीफाइड होंगे, जैसे किसी को कोई प्रॉपर्टी आने वाली है और वो व्यक्ति उसकी उसका मर्डर कर देता है या मर्डर के लिए एबेट करता है, तो जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो उसको नहीं आएगी और वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन और किसके लिए बताई गई है। सेक्शन 26 कहता है, अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू था और हिंदू वो सीज हो गया, बंद हो गया, यानी उसको कन्वर्ट हो गया अदर रिलीजन में, तो ऐसी सिचुएशंस में उनके बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है कन्वर्जन के बाद में वो नहीं मिलेगी, उनको डिसक्वालीफाई माना गया है। सेक्शन 27 कहता है कि जिनको डिसक्वालीफाई माना गया है सेक्शन 25 में, जैसे हमने बात की है कि कोई मर्डर कर देता है या एबेट करता है, और इसी तरह से सेक्शन 26 भी वो हिंदू नहीं रहता है, तो ये माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति पहले से ही मर चुका है। तो ये इस संबंध में प्रोविजंस करते हैं। और आगे बात करते हैं 28 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिजीज है, कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई डिफेक्ट्स हो सकता है या डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो वो सक्सीडिंग से किसी की प्रॉपर्टी जो उसको आनी चाहिए सिर्फ इस आधार पर डिसक्वालीफाई नहीं होगा। अब सेक्शन 29 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड डेथ हुई है, उसकी कोई प्रोविजन नहीं किया है उसने अपनी प्रॉपर्टी का, और क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, क्लास 3 हेयर, एग्नेयर्स, कोग्नेयर्स कोई भी नहीं रहता, तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या होगा? प्रॉपर्टी को ऐसे रखा नहीं जा सकता। तो इसमें प्रोविजंस किया है कि ऐसी प्रॉपर्टी एस्टेट हो जाएगी और ये गवर्नमेंट के पास चली जाएगी विद ऑल ऑब्लिगेशन, जो जो भी ऑब्लिगेशंस उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये सब के सब जो प्रोविजंस हमने अभी डिस्कस किए हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो प्रॉपर्टी को पार्टनर को छोड़ करके लेडी को, यानी फीमेल को, डॉटर को पार्टनर माना गया है 2005 के अमेंडमेंट के बाद में, और प्रॉपर्टी में जो भी उसके जो राइट्स होते हैं फीमेल के वो एज इट इज रहेंगे जैसे कि सन के हैं, और कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का कोई टेस्टामेंट्री प्रोविजंस नहीं करता, इंटरेस्टेड उसकी डेथ होती है, तो मेल के अलग रूल हैं और फीमेल के अलग रूल्स हैं। हमने उसको डिटेल्स में बताया है कि सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये रिलेटेड टू मेल है, 14, 15, 16 ये रिलेटेड टू फीमेल है, और जनरल प्रोविजंस हमने अभी आपके सामने डिस्कस किए। तो ये सेक्शन 29 तक हुए हैं। और सेक्शन 30 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका टेस्टामेंट्री प्रोविजंस वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। और
मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में टफ नहीं है, थोड़ा सा एक समझने की चीज़ है कि उसको थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड अब ये हमारा जो लेक्चर है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, यही अब ख़त्म होता है।